अम्मा जी आ जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मेरे भोले बाबा, बहू बहू ए बहू सुनती हो? आई अम्मा जी। बेटा ये रोज रोज मेरे से फीका खाना बिल्कुल नहीं खवाता, खाए ही नहीं जाता। ऐसा कर, तू इतना शाम का चाय या नींबू का इतना सा पापड़ ला दे तो थोड़ा स्वाद हो जाएगा ना, तो मैं थोड़ा सा खा लूंगी। अरे कुछ अचार पापड़ नहीं मिलेगा आपको, आप ये मसालेदार खाते हैं ना तो कभी आपकी गैस बढ़ती है कभी एसिडिटी बढ़ती है। अरे तू चुप कर। अब रात भर आप भी परेशान रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं। प्लीज आप यही सब खा लीजिए। अरे प्लीज वाले ये खा तो सही। अरे मैं क्यों खाऊं? दो दिन खा के देख ले। आप बीमार है? आप मैं नहीं हूँ बीमार, मैं नहीं खाने वाला। अम्मा जी डॉक्टर ने भी आपको सादा खाना खाने के लिए कहा है, याद है आपको? अरे पिछले हफ्ते आपने बच्चों से चाट मंगवा के खाई थी, सारी रात आप परेशान रहे थे, रात को ही आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एक बार आप अच्छे हो जाइए, फिर आप जो कहोगे वो मैं आपको बना के खिलाऊंगी, जो कहोगे वो ही बिल्कुल आपकी पसंद का। प्लीज अम्मा जी ये खा लीजिए। आज तेरे बाबू जी होते कितना वो था उनको खाने का खिलाने का बहुत शौक था। कभी कभी रात को नींद खुल जाए तो कहते थे सुनो कुछ बनाओ ना अच्छा चटपटा। चलो मैं भी बड़ी खुशी से जाती थी, बनाती थी, खिलाती थी, बनाओ बड़े खुश उठ के खाते थे। दिन भूल नहीं सकती है। As well, so even closer to the keeper, hardly any time, good reflexes. सुनो ऑस्ट्रेलिया, अम्मा जी ने आज भी ठीक से खाना नहीं खाया, रोज रोज वो ही दलिया, वो ही खिचड़ी, वो ही बेस्वाद खाना, कब तक खाएंगी बेचारी? अरे तुम अम्मा जी का टेंशन मत लो यार, उनकी तो आदत है बढ़ 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 करने की, तबीयत का ख्याल नहीं है उनको, समझे? बस अच्छा स्वाद चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। कल ही टंडन जी आए थे, 10 तरह की चीजें बनी थी खाने की। अम्मा जी बार 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 किचन में आके देखते थे, मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा प्लेट में लेके उनको भी दे दूं, पर क्या करूं रोक लिया मैंने अपने आप को। अब बूढ़ी हो गई अम्मा जी, नजरें कमजोर हो गई हैं, सुनाई देना कम हो गया है, दांत गिरने लगे हैं, आस्था खराब हो गया है, लेकिन ये जुबान का स्वाद, ये टेस्ट बड्स, ये बूढ़े नहीं हुए उनके और उछलने लगे हैं। याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, रोज रोज नई नई चीजें बनाकर खिलाती थी अम्मा जी हमें, बेटा ये पसंद नहीं है तो ये खा लो, ये पसंद नहीं है तो ये खा लो। बाऊजी तक को हमारे लिए चीजें लेने भेजती थी बाजार। मेरा भी मन करता है कि मैं उन्हें रोज नई नई चीजें बनाकर खिलाऊं, पर मेरी मजबूरी है, मैं उन्हें नहीं खिला सकती। उनकी तबीयत का भी तो ख्याल रखता है मुझे। तुमको याद है वो प्रेमचंद की कहानी, बूढ़ी काकी?
उसमें वो बूढ़ी काकी खाने के लिए कितना मरी जाती है, रोज रोज नया नया खाना चाहिए उसको, तबीयत का ख्याल उसको नहीं है। हमारे घर में भी सेम स्टोरी चल रही है, समझे, हमारे घर में भी ये एक बूढ़ी काकी है, इनको भी तबीयत का ख्याल नहीं है, रोज नया नया खाने को चाहिए। अब सुनो, तुम ये दिमाग खराब मत करो मेरा, आज छुट्टी का दिन है, कोई बेहतरीन सा नाश्ता बनाओ हमारे लिए। तुम समझती क्यों नहीं, हमारा भी तो बुढ़ापा आएगा, जहां तेरा पेट में हाथ, बस खाने को चाहिए। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बना होगा, खुद तो अच्छी मसालेदार चटपटी चीजें खाएंगे, पर मेरे लिए वही फीका खाना, वही फीका खाना। खालो माजी, खालो माजी, खाके तो देखे कोई कैसा होता है। नहीं पर बहू देगी, थोड़ा सा तो कोई देगी मेरे को, देखूं क्या, जाऊं देखो क्या बना है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, चलती हूँ धीरे धीरे, चुपके से देखूं। अरे भाई हो गया, ले आओ भाई, लीजिए आपका मन पसंद नाश्ता। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 जियो। और तुम क्या खाओगी, ये क्या खिचड़ी? हाँ अब मैं भी वही खाऊंगी जो अम्मा जी को खिलाऊंगी। मैं भी जीना चाहती हूँ उस जिंदगी को जहाँ सब कुछ इतना बेरंग बेस्वाद है। मानती हूँ बहुत कठिन है मेरे लिए, पर मैं भी उस दर्द को महसूस करना चाहती हूँ जो अम्मा जी बरसों से झेल रही हैं और न जाने कब तक झेलेंगी। वो माँ है मेरी। Thank you.